अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बिलाल उमर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं गार्डन सिटी में और गार्डन सिटी के बारे में आपको पता ही होगा, हमारी इससे पहले भी वीडियोस गार्डन सिटी में की बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ ब्लॉग्स को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके रेट्स बताए। लेकिन गार्डन सिटी की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट की बना रहे हैं जो कि गार्डन सिटी कमर्शियल के ऊपर बन रहा है। और गार्डन सिटी के हवाले से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मेमार से जुड़ी हुई सोसाइटी है और बहुत ही अच्छी और क्लियर साफ़ सुथरी सोसाइटी है। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा हो गया है और हर तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो सारी सहूलतें मौजूद हैं जो गुलशन मेमार में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज हम एक नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको मिलवाएंगे एक टीम से जो यहाँ पर पार्क अर्बन डेवलपर एंड कंस्ट्रक्टर्स हैं और उनका प्रोजेक्ट है पार्क अर्बन रेजिडेंस के नाम से। तो हम इनके बिल्डर से बात करेंगे और वो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से पूरी डिटेल देंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अपना इंट्रोडक्शन करवा दे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को। गार्डन सिटी में तकरीबन आज से 2 साल पहले हम लोग यहाँ पर आए थे। ये बिल्कुल मेमार के अकब में जो है, इनके साथ बिल्कुल टच सोसाइटी है और हम लोग यहाँ पर जो है अपने पार्क अर्बन बिल्डर के नाम से हम लोगों ने यहाँ पर 240 गज़ पे ग्राउंड प्लस 3 का प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी हमारा चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है मेमार के अंदर भी हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। तो कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट हमने लोगों को डेवलप करके दे चुके हैं, उनके हैंड ओवर कर चुके हैं। तो अब माशाल्लाह हमारा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है ग्राउंड प्लस 3, तो इंशाल्लाह ताला ये इसकी माशाल्लाह शुरू हो चुका है और स्टार्टिंग है, कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह चल रही है। अच्छा उसामा, सबसे पहले तो गार्डन सिटी का भी इंशाल्लाह हम यहाँ की रिव्यू देंगे कि गार्डन सिटी में कितनी डेवलपमेंट हो गई है। अभी ये कमर्शियल जो आपको हम मौजूद है ये भी कमर्शियल ही है, और आपका जो कमर्शियल है किस नाम से और ये इसकी जो लोकेशन है वो भी बता दें, इसके डायमेंशन कितनी और इसमें कितने मतलब ग्राउंड प्लस कितने फ्लोर्स हैं, ये सारी डिटेल आप बता दें। इसमें जो है बिलाल भाई, यहाँ पर 240 गज़ के कमर्शियल हैं यहाँ पर और यहाँ पर ग्राउंड प्लस 3 अलाउ है, क्योंकि ग्राउंड प्लस 3 के यहाँ पर बनते हैं, 3 शॉप बन जाती है सामने और बैक में जो है आपका एक पोर्शन आ जाता है, एक फ्लैट आ जाता है और ऊपर 6 फ्लोर आ जाते हैं, इसके फ्लैट्स आ जाते हैं। तो इसमें माशाल्लाह से ये है कि माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह आपके सामने है, बिल्डर माशाल्लाह बने हुए हैं, बिल्डर ने यहाँ पर डेवलप करके लोगों को दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा भी है कि इंशाल्लाह 1 साल का प्रोजेक्ट है, हम बना रहे हैं इसको और 1200 स्क्वायर फीट का इनका जो है ना एक इनका साइज़ है इसको, इसका अपना क्या नाम है फ्लैट का, और शॉप का हमारा तकरीबन 280 से 300 स्क्वायर फीट के यहाँ पर हमारे साइज़ हैं शॉप्स के। अच्छा उसामा, सबसे पहले तो 1-2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा गार्डन सिटी की। अभी हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट कमर्शियल में हो गई है, तो सवाल ये कि अगर इस कमर्शियल को देखा जाए, और काफ़ी कमर्शियल यहाँ पर तकरीबन प्लॉट यहाँ पर फिल हो चुकी है और हर दूसरा तीसरा प्लॉट जो है ना कमर्शियल के लिए बन रहा है और बड़ी खूबसूरत मतलब जो है ना अंदाजे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप क्या समझते हैं गार्डन सिटी में लोगों की इन्वेस्टमेंट है प्लॉट के ऊपर है, अगर कोई शॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे या अपार्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो आप क्या मतलब कहते हैं कि प्लॉट से बेहतर हैं अपार्टमेंट्स? अच्छा बिलाल भाई, इस पे जो है आपको मैं ज़रा ये बताना चाहूँगा कि आपको तो पता होगा क्योंकि यहाँ पर सीपैक का यहाँ पर रूट भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल सीपैक के साथ ये गार्डन सिटी बिल्कुल टच सोसाइटी है, तो इस हवाले से यहाँ पर एक सीपैक लिंक रोड भी लग रहा है, तो वो बिल्कुल गार्डन सिटी के अकब से जा रहा है, बिल्कुल पीछे इनके रोड चल रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में 1.5 साल 2 साल के अंदर हमारी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी देखे गए, तो वो उनको माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आने वाले साल 1.5 साल 2 साल के अंदर माशाल्लाह काफ़ी डेवलप और माशाल्लाह बहुत अच्छी सोसाइटी ये बनने जा रही है। तो और यहाँ पर जो रेजिडेंशियल है यहाँ पर जैसे 80 गज़ है, 120 गज़ है और 400 गज़ है, 200 गज़, 240 गज़ है, यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि आपको पता है मेमार के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन के काम में अभी काफ़ी तकरीबन 90% यहाँ पर आबादी मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे यहाँ पर आपके गार्डन सिटी के अंदर जो है काफ़ी मेमार के इन्वेस्टर ने यहाँ पर प्लाट उठाए हैं जो बनाएंगे, ठेकेदार हो गए आपके जो कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रेक्टर होते हैं उन्होंने उठाए हैं यहाँ पर प्लॉट्स, पहले के भी उठाए हैं और अभी भी उठा रहे हैं, और शहर से भी माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पर लोग इधर मूव कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह हमारा जो हमें नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला, तो यहाँ पर काफ़ी साल, डेढ़ साल, दो साल बाद आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी शॉप्स हो गई, आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो गए, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ रुझान बढ़ेगा। तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है कमर्शियल आपको परचेज़ करने का, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। और आप अगर यहाँ पर शॉप खोलना चाहते हैं या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। अच्छा उसामा, यहाँ पर अपार्टमेंट की भी रेंटल वैल्यू बता दें, क्योंकि कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं या मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि उनको एक अच्छा स्मार्ट रेंटल वैल्यू मिले। तो शॉप्स की आप बात करें तो पहले तो शॉप्स का डायमेंशन बताएं और इसके अपार्टमेंट्स का बताएं, 3-bed DD जैसे आपने कहा है, तो अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है उसकी रेंटल वैल्यू क्या है और उसको क्या बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा? अच्छा बिलाल भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यहाँ पर जो रेंटल वैल्यू चल रही है जो आपका, वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार पे अभी चल रही है, ठीक है। जो रेंटल यहाँ पर अभी जो शॉप्स हो गए, आपके फ्लैट्स हो गए, वो रेंट पे इतने इस पे चल रहे हैं 25 से 30 हज़ार पे। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो ए ब्लॉक के अंदर तकरीबन 60% यहाँ पर आबादी है, और अगर आप जाएंगे 200 गज़ का अगर आप पोर्शन पूछेंगे तो 30 से 35 हज़ार पे, समझे आप, बिल्कुल मेमार के मेमार से इनकी बिल्कुल रेंटल जो वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर चल रही है मेमार और गार्डन सिटी के। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले टाइम पे तो यहाँ पर कितनी रेंट जो है मेमार से भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। और ये मतलब जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त भाई हैं, जो इन्वेस्टमेंट रेंटल इनकम के हिसाब से करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी एक ये अचीवमेंट है कि वो सही टाइम पर आके यहाँ पर अपने लिए पोर्शन बुकिंग भी करा सकते हैं, या फिर घर भी ले सकते हैं, या फिर प्लॉट परचेज करके खुद भी बना के और इनको रेंटल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो शॉप्स है माशाल्लाह, यहाँ पर साइज़ जो है यहाँ पर 10x28, 10x30 और 10x32 की भी यहाँ पर साइज़ चल रहे हैं शॉप्स के। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा कि यहाँ पर और जितने प्रोजेक्ट यहाँ पर बने हैं वो उनके शॉप्स में क्या, उसमें जो है ना अपना उसमें क्या आपकी, अच्छा तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये आपके और जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं इनकी शॉप्स में और हमारी कमर्शियल की जो शॉप्स हैं इन पर डिफरेंस माशाल्लाह हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी शॉप्स में यहाँ पर कोई ना वेंटिलेशन है ना कोई इसी कुछ, मतलब प्रोजेक्ट्स उनके भी अच्छे हैं हमारे भी अच्छे हैं, मगर हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छा करके पेश कर रहे हैं। हमारी तरफ से लोगों को, एक हमारे जितने भी क्लाइंट्स आएंगे, जो भी आएंगे, उनको हम अच्छी से अच्छी चीज़ मुहैया करें। तो ये थे उसामा भाई, पार्क अर्बन रेजिडेंसी के हवाले से आपको डिटेल दी, अभी साइड पे आपको लेके चलते हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क अर्बन रेजिडेंसी के जो प्रोजेक्ट है, आपको जैसे कि बताया था कि इस वक्त इसकी क्या कंडीशन है। हमारे साथ हमज़ा शाह भी मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इसका लुक आफ्टर कर रहे हैं। जी अच्छा, ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो गार्डन सिटी ब्लॉक ए में है, और ब्लॉक ए में इस वक्त गैस फॉर्चुनेटली अभी मौजूद है, क्योंकि ब्लॉक बी में, गार्डन सिटी में गैस मौजूद नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन गार्डन सिटी का ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में, ठीक है। रिटेनिंग वॉल इसकी रेडी हो रही है, आपने देखा कि फाउंडेशन इसकी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, और इसमें टैंक जो है वो भी हमारा रेडी हो चुका है, और टैंक हमारा जो है माशाल्लाह से तमाम पूरे जो बेल्ट है ब्लॉक ए में, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा टैंक है 12,000 gallons का, तो ताकि ये जो हमारे जो रेजिडेंट्स होंगे उनको परेशानी ना हो। तो अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट में जो है अगर आप देखें तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में प्रॉपर हमारी प्लिंथ जो है वो रेडी हो जाएगी, और प्लिंथ रेडी होने के बाद उसके जो 15 दिन है नेक्स्ट, उसमें हमारे पास शॉप्स और नीचे का जो ये फ्लैट है वो हमारे पास पहला फ्लोर इंशाल्लाह ग्राउंड फ्लोर हमारा रेडी हो जाएगा। और हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी नॉन स्टॉप है, और इसमें जो हमने, आप देख रहे हैं, जो हमने स्टील इस्तेमाल किया है वो 60 grade अमरेली है, और उसके अलावा जो हमने पावर सीमेंट का हमने इसमें प्रोजेक्ट का यूज़ किया है अच्छी, हमने इसमें सैंड एग्रीगेट्स टोटल जो है वो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स पे ये मौजूद है। जी तो दोस्तों, गार्डन सिटी में हम मौजूद थे और उम्मीद करते कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी। दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।